तो यहाँ पर हमारे पास बहुपद से एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं क्लास टेंथ का, और ये प्रश्न थोड़ा सा यूनिक है, हमारे एनसीईआरटी में नहीं है ये वाला प्रश्न, ये बात समझो बात को। तो इसको हम हंसते खेलते 5 मिनट के अंदर में कर जाएंगे समझते हुए किस प्रकार से इस तरह के प्रश्नों को हम लोग कर सकते हैं। प्रश्न क्या कह रहे हैं हमारा, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस वन का गुणनखंड एक्स माइनस ए है तो ए का मान ज्ञात करें। देखो हमने क्या पढ़ा है, अगर मान लो हमारे पास एक बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस सात एक्स प्लस दस, इसका एक गुणनखंड हमारा निकल के आता है एक्स प्लस में पाँच और दूसरा गुणनखंड निकल के आता है एक्स प्लस में दो। तो यहाँ से अगर गुणनखंड हमारे पास ये है तो अगर इसके शून्य की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस पाँच या फिर ये हो जाएगा एक्स माइनस दो। कहने का मतलब क्या है, अगर गुणनखंड तुमको दिया है एक्स प्लस दो तो ये इसका गुणनखंड तुमको एक्स प्लस दो दिया है तो शून्य हो जाएगा इसका माइनस दो, अगर गुणनखंड एक्स माइनस दो दिया है तो इसका शून्य हो जाएगा हमारा दो। इसी तरह से अगर समझना चाहे हमारे पास यदि गुणनखंड दिया है एक्स माइनस ए तो इसका शून्य हो जाएगा एक्स बराबर ए, और गुणनखंड दिया है एक्स प्लस ए तो इसका शून्य हो जाएगा एक्स बराबर माइनस ए। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस वन का गुणनखंड एक्स माइनस एक है। तो क्या लिखेंगे सिंपली, हल देखो यहाँ गुणनखंड कितना है x माइनस ए है, अतः बहुपद का शून्यक होगा, क्या होगा यहाँ पर हम निकाल लेते हैं x माइनस ए बराबर जीरो, एक्स बराबर ए होगा। ठीक है, अब बहुपद का शून्यक जीरो होने का मतलब क्या है, बहुपद का शून्यक ए होने का मतलब क्या है कि अगर ये x का मान हम बहुपद में रखते हैं तो वो पूरे बहुपद का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसलिए इसको बहुपद का शून्यक बोलते हैं। इट मीन्स कि मान लेते हैं हम अगर हमारे पास जो बहुपद है पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस वन, अच्छा ये दिया है, देखो यहाँ से गौर से देखना, हमने शून्य ये निकाला, पहली बात तो ये समझ लो गुणनखंड दिया है। दूसरी बात हम ये भी बोल सकते हैं अगर कोई गुणनखंड दिया है उससे यदि हम इस प्रकार से शून्यक निकाले, उस शून्यक को यदि बहुपद में रख दे तो पूरे बहुपद का मान जीरो हो जाता है। ठीक है, कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस सात एक्स माइनस दस जो है ना क्या है हमारा एक बहुपद है जिसका शून्यक जो है कितना निकला हमारा एक्स माइनस पाँच, अगर पाँच का मान यहाँ पर रखो एक्स स्क्वायर प्लस सात एक्स प्लस दस तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। कैसे, यहाँ रखो माइनस पाँच का स्क्वायर प्लस सात गुने माइनस पाँच और प्लस दस पच्चीस पच्चीस और यहाँ हो जाएगा माइनस सत पच्चे पैंतीस प्लस दस पच्चीस दस पैंतीस और माइनस पैंतीस ये हो जाएगा जीरो, जीरो हो रहा है ना। इट मीन्स कि यहाँ पर चूंकि एक्स माइनस ए क्या था, एक्स माइनस ए क्या था, एक्स माइनस ए था हमारा गुणनखंड जो हमने एक्स का मान शून्य निकाला और शून्य निकाला या बोल सकते हैं बहुपद का हल निकाला यहाँ पर। इट मीन्स अगर हम रख दे पी ऑफ ए बराबर तो ये कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अच्छा ये गुणनखंड प्रमेय भी बोल सकते हैं, गुणनखंड प्रमेय हमको बताता है। ठीक है, तो ये पी ऑफ ए यदि हम रखते हैं तो यहाँ पर एक्स के जगह पर हम ए रखेंगे जो एक्स स्क्वायर है, तो इसके जगह पर ए स्क्वायर माइनस ए इंटू एक्स के जगह पर क्या रखना है हमको ए रखना है प्लस में ए माइनस वन और बराबर में तो हमारा जीरो है ही, ये ए स्क्वायर हो जाएगा a माइनस ए ये भी ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए माइनस वन बराबर जीरो, ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा ये हो गया a माइनस वन बराबर जीरो। यहाँ से अगर देखें तो ये क्या निकल के आएगा a बराबर इसको इधर ले जाएंगे ये हो जाएगा हमारे पास एक, तो a का मान यहाँ से कितना निकल के आ गया एक निकल के आ गया। और देखो इस तरह से हम बहुत ही आसानी के साथ इस प्रश्न को कर पाए हैं।